बहुत बधाई हो बहादुर जी आपको, आप वाकई एक बहुत बहादुर इंसान हैं। अदिति तिवारी की रिट अपील अलाउ हो गई है और डिवीजन बेंच ने सिंगल जज का ऑर्डर निरस्त कर दिया है और ये आदेशित किया है कि वापस मामला रिमांड होकर सिंगल जज के सामने जाएगा और सिंगल जज इस बात पर निर्णय देंगे कि क्या कैटेगरी वाइज और कास्ट वाइज 5 गुना कैंडिडेट्स पहले चरण के बाद द्वितीय चरण के लिए बुलाए गए थे कि नहीं। सब जने मेरी बात अच्छे से सुन लें क्योंकि एक एक को मैं फोन करके नहीं समझा पाऊंगा। अभी ऑर्डर 5 मिनट पहले मेरे सामने डिक्टेट हुआ है, अभी ऑर्डर मेरी आंखों के सामने नहीं आया क्योंकि मैंने पूरा ऑर्डर सुना है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि यही ऑर्डर आएगा। सिंगल जज का ऑर्डर अदिति तिवारी के केस में जो हुआ था, जिसमें अदिति तिवारी वगैरह ने ये मांगा था कि 5 गुना जो विमेन के लिए सीटें हैं उससे 5 गुना कैंडिडेट्स को पहले चरण के बाद द्वितीय चरण के लिए बुलाना चाहिए था, वो याचिका माननीय न्यायमूर्ति श्री अग्रवाल जी ने निरस्त कर दी थी। वो निरस्तीकरण का आदेश सेट असाइड कर दिया गया है सुजाय कॉल ऑनरेबल जस्टिस पीसी गुप्ता की अदालत ने और मैटर इज रिमांडेड बैक टू द सिंगल जज रूल 1.15.2 को कोट करके बोला हुआ है। 1. सही बोल रहा हूं कि 1. कि ये वाला मामला इस रूल के अनुसार 1.15.2 में कोट करके बोला है कि इस रूल के अनुसार 5 गुना विमेन का, 5 गुना हर एक कैटेगरी का, हर एक कास्ट के बुलाए गए हैं कि नहीं, ये आप इस पे स्पष्ट निर्णय दीजिए। और सिंगल जज से ये भी रिक्वेस्ट किया कि मामला जल्दी से जल्दी निपटाया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच। अब बस बंद कर।